So today is our second class on class 10 section formula exercise 11. But before starting the video, if you like my videos, then subscribe my channel and do share my videos. So अब start करते हैं हम लोग अपना question number 10 से. Last class में, last video में मैंने question number 6 तक आपको complete करा दिया था. 7, 8, 9 मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ reflections के part हैं जो मैं reflection कराने के बाद करवाऊंगा. तो मैं move कर रहा हूँ question number 10 से. Question number 10 है क्या, आप थोड़ा सा देखो. द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, मैंने आपको पहले बताया था एक लाइन सेगमेंट रहेगी. तो यहाँ पे सोचो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, मिड पॉइंट दे दिया आपको पी. द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, तो इसके पॉइंट्स क्या क्या है, 3m, 6, मतलब ये हो गया x1 and y1, और है -4, 3n, ये हो गया आपका x2 and y2, ठीक है. और इसका मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है ये 1, 2m-1, दैट इज x एंड y. तो सर खोजना क्या है, आपको x1 दे दिया, y1 दे दिया, x2 दे दिया, y2 दे दिया, x और y दे दिया. लेकिन देखो इस x1 y1 में या x2 y2 में कुछ अननोन टर्म्स दिए हुए हैं जहां पे m है और n है, और आपको वही फाइंड आउट करना है. तो आप आराम से लिख लो पहले कि सर भाई x1 क्या है मेरा. तो आप बोलोगे सर x1 मेरा है 3m, 6, तो ये हो गया 3m, और y1 मेरा हो गया 6, x2 सर दिया है -4, और y2 दिया हुआ है 3m. x का वैल्यू क्या दिया हुआ है सर 1, और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2m-1. तो ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है. मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमेशा से रहा है x1 + x2 / 2, क्लियर है. आप सिंपल क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट्स करो. x की जगह पे क्या लिखोगे आप 1, x1 की जगह पे क्या लिखोगे 3m, x2 की जगह पे क्या लिखोगे -4, और नीचे क्या लिखोगे 2. मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा 3m-4, -4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4, डेट इज 6, डेट इज 3m = 6, देयरफॉर m = 6/3, डेट इज 2. ये पोर्शन तो आपका मिल गया. अब आपको y खोजना है, तो y का फॉर्मूला भी वही है, y1 + y2 / 2. तो सर y का वैल्यू क्या है, देखो भाई y का वैल्यू है 2m-1, और y1 का वैल्यू क्या है सर 6, y2 का क्या है 3n/2, क्लियर है. क्योंकि m का वैल्यू मुझे पहले ही मिल चुका है, तो मैं यहां पे लिख लूंगा 2 × 2 - 1 = 6 + 3n/2. तो ये 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, 6 + 3n/2, तो डेट इज 6 = 6 + 3n. तो जैसे ही 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0 = 3n, देयरफॉर n = 0. तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके लिए 0 आ जाएगा. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10. अब आप मूव करिए क्वेश्चन नंबर 12 में. 12 क्या बोला है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल. सोचो आपका एक सर्कल है, ऑब्वियसली उसका एक सेंटर है. डायमीटर मतलब जो दोनों एंड्स को टच करे, तो ये है डायमीटर, ये हो गया ए बी, और सेंटर क्या हो गया सी. सी ऑलरेडी दिया आपको -2, 5, ए आपको दिया हुआ है 3, -7, आपको बोल रहा है बी खोजने, और साथ में इस रेडियस का लेंथ. सबसे पहले एक बात कह लें कि भाई ये तो x1 y1 है सर, और ये क्या होने वाला है x2 y2, जो हमको अननोन है x2 y2, और ये तो ऑलरेडी xy दिया हुआ है. तो सर क्योंकि हम जानते हैं एक डायमीटर है, और डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वही सेंटर होता है, तो ऑब्वियसली यहां पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा. तो हम इंफॉर्मेशन को अपने लिख लेते हैं. पहले देखो सोल्यूशन जब करेंगे x1 एंड y1, सर x1 मेरा क्या है 3, और y1 क्या है मेरा -7. x2 और y2 दोनों ही अननोन है, दोनों ही मुझे खोजने हैं, और x का वैल्यू -2 है, और y का वैल्यू है 5, ये अपने को गिवन है, ये चीज मेरे दिए हुए हैं. तो चलो सबसे पहले x खोजते हैं. x का फॉर्मूला x1 + x2 / 2, आप x की जगह पे क्या लिख सकते हो -2, x1 की जगह पे क्या लिख सकते हो 3, और x2 तो आपको पता नहीं, वो आपको ढूंढना है, डिवाइडेड बाई 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 + x2 हो जाएगा, क्लियर है. अब आपको क्या करना है,
टू से अब इधर ले जाओ माइनस फोर माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स टू, तो एक्स टू का वैल्यू क्या आएगा माइनस सेवन। क्लियर है सर। वाई ढूंढना है तो वाई के लिए भी वही फॉर्मूला, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू कर दो। जबकि y की जगह पे क्या लिख सकते हो, पहले से 5 लिख सकते हो, y1 की जगह पे क्या लिख सकते हो माइनस सेवन प्लस वाई टू बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 माइनस सेवन प्लस वाई टू, टेन प्लस सेवन इक्वल्स टू वाई टू एंड वाई टू इक्वल्स टू 17। ये हो गया आपका x2 और y2 का वैल्यू। अब सर क्या करना है, रेडियस। देखो जब आपको a से लेके c का वैल्यू निकालना है, ये क्लास 9 में एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता था जिसको आप पहले से जानते हैं। तो अगर ac का लेंथ निकालना हो तो जस्ट आपको क्या करना है, अंडर रूट जाना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करके फॉर्मूला होता था। तो आप अगर सोचोगे कि सर x2 तो आप यहाँ पे ये लिखें और x1 आप यहाँ लिखें, तो क्या इससे इसको माइनस करना है? अगर आपको ए बी का लेंथ निकालना होता तो जरूर आप बी के वैल्यू से ए को माइनस करते, लेकिन क्योंकि हमको ए सी का वैल्यू निकालना है क्योंकि रेडियस बोला गया है, तो सी से और ए का, तो सी और ए में क्या करेंगे, देखो एक्स के वैल्यू को एक्स से माइनस करो, ठीक है, माइनस टू दिया हुआ आपने लिखा माइनस टू, यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है थ्री होल स्क्वायर क्योंकि बीच में माइनस होता है, प्लस फिर देखो यहाँ पे वाई का वैल्यू फाइव है प्लस सेवन, प्लस सेवन क्यों हुआ क्योंकि ऑलरेडी माइनस था तो बीच में माइनस होता तो प्लस हो गया। तो सर अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फाइव का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ट्वेल्व का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस वन फोर्टी फोर दैट इज़ वन सिक्सटी नाइन। तो इसका अंडर रूट करोगे तो आएगा थर्टीन यूनिट्स। तो ए सी का लेंथ कितना आ जाएगा, थर्टीन यूनिट्स का आ जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में। देखो फोर्टीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। फोर्टीन में क्या सीखना है सर, एक लाइन सेगमेंट है जो हम पहले से जानते हैं, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है। तो a दिया है मतलब सर x1 दे दिया माइनस वन और y1 दे दिया मेरे को फाइव बाई थ्री, ये तो सर क्लियर बात है। b भी दे दिया सर यानी x2 दे दिया मतलब a और y2 दे दिया फाइव यानी x2 दिया हुआ नहीं है। रेशियो दिया हुआ है सर m1 is to m2 that is 1 is to 3, ये भी दे दिया। और जहां पे लाइन सेगमेंट जो है ए बी इंटरसेक्ट करेगा किसके साथ, पी के साथ, तो वाई एक्सिस पे। एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़े से डिटेल्स में जाते हैं, तो हमने हमेशा ये सीखा है कि सर यहाँ पे ए बी और पी रहता है, यहाँ पे एक्स वन और वाई वन हमको पता होना चाहिए, एक्स टू और वाई टू पता होना चाहिए, एम वन और एम टू पता होना चाहिए, ये तीनों चीज हमें पता होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से एक्स वाई ढूंढ सकते हैं। यानी सर बेसिकली मेरे को छह वैल्यूज पता होने चाहिए, मुझे x1 y1 क्लियर होना चाहिए, मुझे x2 y2 क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ ये रेशियो भी क्लियर होना चाहिए, तब हम x y ढूंढ लेंगे। क्योंकि यहां पर हमको कोऑर्डिनेट ऑफ p ढूंढने बोला है, तो x और y तभी पॉसिबल है जब छह इंफॉर्मेशन हो। छह में देखो x1 y1 क्लियर हो गया, m1 m2 क्लियर हो गया, लेकिन यहां पे जब हम आते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि सर x2 का वैल्यू नहीं पता, यानी मेरे पास एक दो तीन चार पांच ही इंफॉर्मेशन है, छठा इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी ऐसी चीज होगी छठा इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो ये समझ लेना P के दो कोऑर्डिनेट होते हैं X और Y, उसमें से एक आपको पता रहेगा। सर कौन सा पता रहेगा, कैसे पता चलेगा, तो देखना ये लाइन किसी ना किसी पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये Y को हिट कर रहा है, अगर कोई भी चीज Y को हिट कर रहा है, इसका मतलब वहां पे X का वैल्यू क्या रहा होगा, जीरो। इसको भी समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो सोचो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, कोई भी ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये तो आपको सबको पता है। अगर कोई पॉइंट नॉर्मल बोलूँ टू थ्री, तो आप बोलोगे सर टू थ्री कहीं यहीं लाई करेगा, यहाँ पे टू हो गया यहाँ पे थ्री हो गया सपोज करो। लेकिन अगर मैं बोलूँ सर जीरो कॉमा थ्री बोलूँ, सर सर एक्स तो जीरो है ओरिजिन मतलब यहाँ, और थ्री कहाँ है यहाँ, तो वाई पे लाई कर रहा है। तो कोई भी चीज वाई पे तभी लाई करता है जब एक्स का वैल्यू क्या रहता है, जीरो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं y एक्सिस को हिट कर रहा है जीरो कॉमा वाई, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल चुका है। तो अब वापस हिसाब करो, एक दो तीन चार पांच, आपको छह वैल्यूज ऑलरेडी मिल गए। अब क्या करना है सर, y ढूंढना है और a ढूंढना है, जो आपके लिए काफी आसान होने वाला है। तो करना क्या है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन। तो क्योंकि x का वैल्यू ऑलरेडी क्या है मेरे पास, जीरो है, तो चलो हम x से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था x का था सर m1 x2 m2 x1 by m1 plus m2, ये तरीका था जिसमें सर x का वैल्यू क्या दिया है मेरे को, जीरो, आप जीरो लिख लो। m1 का वैल्यू क्या है सर वन, x2 का वैल्यू क्या है a,
एम टू का वैल्यू क्या है 3, एक्स वन का वैल्यू क्या है -1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, 0 इक्वल्स टू क्या आएगा a -3/4, ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू क्या आएगा a -3, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ये पोर्शन तो आपको क्लियर हो गया। अब y निकाल लेते हैं फटाक से। y का वैल्यू सर m1 y2, m2 y1 बाई m1 प्लस m2, तो सर y निकालते हैं, तो y इक्वल्स टू लिखिए 1, y2 की जगह पे क्या लिखोगे आप 5, ठीक है, प्लस m2 क्या है मेरा 3, y1 क्या है मेरा 5/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर 5 प्लस 5/4, समझ में आ रहा है, 5 क्यों, वहाँ 3 3 कट गया आपका तो 5 ही रह गया, तो ये हो जाएगा 10/4, इसको छोटा कर दो तो क्या हो जाएगा 5/2, तो यानी सर p का आंसर होगा 0.5/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट है, ये रहा लाइन सेगमेंट ए बी, जहां पे ये रेशियो दिया हुआ है 0.2 कोऑर्डिनेट 2 1, ये दिया है 7.6, पी दिया हुआ है 5.4। इस बार आपको निकालना है m1:m2। तो यानी सर 6 वैल्यूज दिए हुए हैं मुझे, 2 खोजने हैं। मैंने आपको कई बार पहले भी समझाया है कि सेक्शन फॉर्मूला में आपको कुछ भी खोजने बोले कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको 6 वैल्यूज पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 हो रहा था, बाद में मैंने आपको बताया कैसे मैंने छठे वैल्यू खोज लिया। तो लेट द रेशियो, जब भी आपको रेशियो ना दिया रहे तो आपको एक ही काम करना है, रेशियो को लेट करना है k:1। आपने रेशियो लेट कर लिया k:1, आपको x1 क्या है 2 और y1 क्या है 1, x2 क्या है सर 7, y2 क्या है 6, x क्या है 5 और y क्या है 4। अब x और y में कोई भी आप एक फॉर्मूला पुट अप करो, चलो मैं करता हूँ, x इक्वल्स टू सर m1 x2, m2 x1 बाई m1 प्लस m2, कोई भी एक ले लो। आप x की जगह पे क्या लिख सकते हो सर 5 लिख सकते हैं, m1 की जगह पे क्या लिखोगे k, x2 की जगह पे क्या लिखोगे 7, m2 की जगह पे 1 और x1 की जगह पे क्या लिखोगे 2 डिवाइडेड बाई k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ब्रैकेट में k+1, यह हो जाएगा 7k+2, सॉल्व करेंगे तो आएगा 5k+5 इक्वल्स टू 7k+2, तो 5k-7k इक्वल्स टू 2-5, -2k इक्वल्स टू -3, 2k इक्वल्स टू 3। तो आप फाइनल वैल्यू जब निकालेंगे k का तो आएगा 3/2, तो आप लिखोगे कि सर रेशियो जो मेरा बन गया वो 3:2 क्या बन गया 2 बन गया। तो ये तरीका होता है रेशियो खोजने का। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या बोल रहा है, ए और बी फिर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको ए बी का लेंथ खोजना है। तो देखो सबसे पहली चीज जो लेंथ खोजने की बात आती है, तो मैंने आपको कहा है अगर लेंथ खोजना है तो एक सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, ए और बी का लेंथ खोजना है तो बी के एक्स से ए को एक्स को माइनस करो। देखो बी का एक्स क्या है, ये है 8, माइनस करोगे ऑलरेडी माइनस में तो क्या हो गया +4 का होल स्क्वायर, प्लस -6 है इसको माइनस करो -3 का होल स्क्वायर, तो सर क्या हो जाएगा ये देख लो आप, ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर, यानी सर ये हो जाएगा 144 + 81, तो सर ये क्या हो जाएगा फाइनली 225, विच इज 15 यूनिट्स। तो ये हो जाएगा आपका लेंथ। ये तो बहुत सिंपल सा चीज था। अब आपको खोजने बोला है रेशियो। अब बात को सुनना, जैसे हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो आप क्या बोलते हो सर x1 दिया हुआ है -4, y1 दिया हुआ है 3, x2 दिया हुआ है 8 और y2 दिया है -6। तो सर a और b तो मिल गया, अगर रेशियो ढूंढना है तो आप बार बार एक ही बात बोलते हैं कि हमको 6 इंफॉर्मेशन चाहिए, 4 हमें मिल गई। अब आपको x खोजना है और y भी खोजना है, m1 भी खोजना है, m2 भी खोजना है, इस तरह से तो बात चल रही है। तो देखो मैंने आपको कहा है जब रेशियो ना दे तो क्या पकड़ेंगे k:1, तो यानी 1 2 3 4, एक 1 को पकड़ लेंगे, 5 इंफॉर्मेशन हो गई, मतलब k ढूंढना है सर। x और y में मैंने हमेशा कहा है जब इंफॉर्मेशन 5 हो तो देना एक चीज हमेशा दिया रहेगा और किसी ना किसी एक्सिस में लाइन टच करेगा। यहाँ पे x एक्सिस में टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है y का वैल्यू 0 है और हमको क्या ढूंढना है x। तो 2 ही चीज हमें ढूंढने हैं, बाकी 6 हमें मिल गई। जो 0 दिया है पहले उसको यूज किया करो हमेशा, तो y को पहले इस बार यूज करेंगे m1 y2, m2 y1 by m1 plus m2, बड़े सिंपल से करूंगा,
वाई की जगह पे आप जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे आप के पुट करेंगे, वाई टू की जगह पे माइनस सिक्स करेंगे, एम टू की जगह पे आप वन लिखेंगे, वाई वन की जगह पे आप थ्री लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे आप, के प्लस वन, क्या लिखेंगे, के प्लस वन। अब ये के प्लस वन जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस सिक्स के प्लस थ्री, डेट इज सिक्स के प्लस इक्वल्स टू थ्री, के का वैल्यू क्या आ जाएगा, थ्री बाई सिक्स, डेट इज वन बाई टू, तो आपका रेशियो बन गया 1:2। अब सर x ढूंढना बड़ा आसान है, x का फॉर्मूला क्या था, m1 x2, m2 x1 by m1 plus m2, था ना। तो x की जगह पे आप क्या लिख लोगे सर, x को ढूंढना ही है, कुछ नहीं लिखेंगे, m1 की जगह पे इधर 1 लिखेंगे और x2 की जगह पे 8 लिखेंगे, m2 की जगह पे 2 लिखेंगे, x1 की जगह पे माइनस 4 लिखेंगे और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 बाई 3, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 बाई 3, एक्स का वैल्यू भी 0, तो यानी पी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.0, तो ये हो गया आपका पी का लेंथ। नाउ लास्ट सम ऑफ आवर टूडेज क्लास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। मोर ऑर लेस देखो ये 18 जैसा ही है, यहाँ भी हमको रेशियो खोजने बोला है, तो सर जब भी रेशियो खोजने बोलेगा पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं अपने। इन्फॉर्मेशन सर क्या क्या दिया है, ए दे दिया सर, x1 पता चल गया, y1 पता चल गया, x2 पता चल गया, y2 पता चल गया, रेशियो खोजने बोला मतलब सर एक k हो गया और एक 1 हो गया, यहाँ तक तो सर क्लियर है। p खोजने बोलेगा तो यानी x और y खोजना है सर, तो यानी अभी आप बोले जो भी x6 का बात करेगा y एक्सिस, यानी x का वैल्यू 0 है, y खोजना है, फिर वही छह चीज़ें मुझे पता चल गई, पहले 0 वाले को हमको यूज़ करना है, तो जीरो वाले को यूज़ कर लेते हैं सर। तो x का वन m1 मैंने कई बार आपको लिख दिया है तो अब आप समझ गए होंगे, ये ज़ीरो लिख देना है, m1 की जगह पे k लिखना है, x2 की जगह पे आप क्या लिखोगे, 8 प्लस 1, x1 की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस 4 बाई k प्लस 1, ये फुल ज़ीरो, 8 k माइनस 4, 8 k इक्वल्स टू 4, k इक्वल्स टू 4 बाई 8, के का वैल्यू हाफ, रेशियो बन जाएगा 1:2। तो सर के तो मिल गया, अब आपको क्या ढूंढना है, वाई, वाई आप आराम से ढूंढ लेंगे, वाई का फॉर्मूला है वाई टू प्लस एम टू वाई वन, सेम फॉर्मूला बार बार एक ही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, तो वाई इक्वल्स टू एम वन की जगह पे आप क्या लिखोगे सर, इस बार 1 लिखेंगे, वाई टू की जगह पे सर 3 लिखेंगे, माइनस 3, 2 लिखेंगे वाई टू की जगह पे, और वाई वन की जगह पे क्या लिखोगे आप, 6, होल डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 1 प्लस 2, तो ये y इक्वल्स टू हो गया माइनस 6 माइनस 3 प्लस 12 बाई 3, तो y इक्वल्स टू हो गया 9 बाई 3, y इक्वल्स टू 3, तो p का वैल्यू आ गया 0.3। अब आपको बोला गया है लास्ट लेंथ ऑफ ए बी, तो ए बी का लेंथ देखो मैंने पहले वाले में भी सिखाया, आपको जस्ट क्या करना है, इसके x से इसको और इसके y से y को माइनस करना है और अपना आ जाएगा, तो ये आप घर में भी कर सकते हो प्रैक्टिस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, सेक्शन फॉर्मूला के 20 सम्स अप्रॉक्सीमेटली हमारे कवर हो चुके हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और बाकी की रिमेनिंग सम मेरी आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी।